नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर पुनः और आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हूं लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने लेकर खड़ी हूं आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुप्त वंश से संबंधित है मैंने गुप्त वंश पर एक दो वीडियो बनाए हुए हैं आपने देखा होगा आगे गुप्त वंश प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि गुप्त वंश में जो शासक हुए उन शासकों के शासन काल और उनके शासन काल में महत्वपूर्ण घटनाएं बहुत अधिक प्रभावित करती है भारतीय इतिहास को प्राचीन भारत के इतिहास को तो ये जो मेरा वीडियो है इसे आप पूरा देखें इसका लाभ उठाएं मैंने इस बार कुछ नए तरीके से आपके सामने वीडियो लाने की कोशिश की है आप इसे देखें समझें अच्छा लगे कमेंट करें शेयर करें लाइक तो करें तो चलिए चलो अपने उद्देश्य के तरफ तो आज मैं आप लोगों से जैसा कि मैंने बताया बात करूंगी गुप्त वंश के मुख्य शासक हर वंश में बहुत सारे शासक होते हैं बहुत सारे सारे रूलर होते हैं जिन्होंने राज किया होता है कोई दस साल कोई पांच साल कोई बहुत कम समय लेकिन उनमें से कुछ शासक बहुत ही विख्यात हो जाते हैं क्यों क्योंकि उनके समय में कुछ विशेष काम हुआ होता है है सिर्फ समय मायने नहीं रखता है। किसी ने बहुत कम समय तक का राजकाज किया लेकिन बहुत अच्छा राजकाज किया किसी ने बहुत लंबे समय तक राजकाज किया तो इसी तरह गुप्त वंश में बहुत सारे शासक हुए और इन शासकों में कुछ शासकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गुप्त वंश के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। तो जैसा कि सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशैन द्वारा रचित है एरण अभिलेख है भीतरी अभिलेख है ऐसे बहुत सारे स्कंद गुप्त के समय के बहुत सारे अभिलेख हैं जो गुप्त शासन के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं तो आज मैं गुप्त शासकों के बारे में जब बात करूंगी तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे ये याद रखना होगा कि ये प्रथम स्वतंत्र शासक थे और इन्होंने अपनी उपाधि महाराज रखी थी इनके समय में जो गुप्त साम्राज्य गुप्त राज्य था वो बहुत छोटा सा था इसके बाद जैसा कि हम यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है कि इनका समय 240 ईसवी से 280 ईसवी लगभग था इसके बाद घटोत्क शासक हुए और इनका समय 280 ईसवी से 320 ईसवी तक था सही गुप्त और घटोत्क के समय गुप्त साम्राज्य स्थापित हो चुका था लेकिन इसका विस्तार नहीं हुआ था इसलिए जब हम गुप्त शासक की बात करते हैं तो हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं और यह कह सकते हैं कि गुप्त वंश के प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे क्योंकि इन्होंने छोटे से राज्य को बड़ा बनाने का जो मुहिम है शुरू किया और इनके समय में इनके समय से हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य आगे की ओर बढ़ता ही चला गया तो मैंने यहाँ पे कुछ राजाओं का जो महत्वपूर्ण राजा थे उनका उनका यहाँ पर नाम लिखा है आप इन्हें देखें लेकिन इनमें से गुप्त साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण शासक थे उसमें चंद्रगुप्त प्रथम है हम सभी जानते हैं समुद्रगुप्त हम सभी जानते हैं जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो रामगुप्त बहुत फेमस शासक नहीं हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासक थे समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र थे कुमार गुप्त स्कंद गुप्त भी एक महान शासक हुए गुप्त वंश के तो आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बताऊंगी जिनके समय में कुछ विशेष घटनाएं हुई थी और ये विष्णु गुप्त को हम देखते हैं कि अंतिम गुप्त शासक थे जो ज्ञात हैं और भी उसके बाद शासक हुए होंगे जिनका बहुत अधिक जिक्र नहीं है या जो बहुत प्रमाणित नहीं है लेकिन विष्णुगुप्त को हम अंतिम ज्ञात गुप्त शासक के रूप में जान सकते हैं तो चलिए श्री गुप्त के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने पढ़ा था हमने पढ़ा था घटोत्कच को जाना था, जैसा कि हमने बताया कि इन्होंने गुप्त वंश की शुरुआत की थी लेकिन गुप्त वंश को एक साम्राज्य का रूप देने का जो प्रयास किया गया था वह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने बहुत अपनी प्रतिभा दिखाई इनके पास सैन्य प्रतिभा भी थी महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी थे इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का जैसा कि मैंने बताया पहला प्रयास किया था और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह करना था लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था हम जानते हैं कि उस समय वंश जो है यह भी एक बहुत बड़ा राज्य था बहुत महान राज्य राज्य था था और गुप्त बगल में दोनों के मिलने से दोनों की शक्ति में वृद्धि हुई और लिच्छवी वंश से गुप्त वंश के मिल जाने से स्वाभाविक सी बात है कि ये उनका ससुराल का संबंध हो गया तो हर तरह की सहायता हर तरह की मदद उनसे मिल सकती थी उन्हें तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने अपना जो काम है वैवाहिक संबंध के द्वारा भी उसमें रंग डालने की कोशिश की पहली बार पहली बार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी मैंने बताया श्रीगुप्त और घटोत्क महाराज उपाधि तक्षी से ली थी लेकिन इन्होंने अपनी उपाधि महाराजा धीराज और अपनी रानी की उपाधि महादेवी दी इन उपाधियों से सुशोभित हुए इन्होंने ये इन सारी बातों का पता हमें कैसे चलता है क्योंकि बहुत सारे सिक्के इस काल के मिले हैं जिसमें महाराजा धीराज या महादेवी का जिक्र है करके जो सिक्के पे जिक्र है उसका उससे हमें पता चलता है कि इन्होंने अपने आप को एक शासक के रूप में महान शासक के रूप में एक महाराजाओं राजाओं के राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया था इसके अलावा हम देखते हैं कि लिच्छवी वंश स्थापित करने से गुप्त वंश की प्रतिष्ठा बढ़ी बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं लेकिन कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि लिच्छवी वंश से संबंध स्थापित करना से उनका साम्राज्य बड़ा हो गया वो लिच्छवी वंश को भी अपने में शामिल कर ली इसीलिए वो बड़ा हो गया लेकिन किसी किसी कहना है कि नहीं लिच्छवी वंश और गुप्त वंश दोनों तो एक हो गए थे संबंध में तो इससे दोनों वंश की महानता बढ़ गई पहली बात, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल तक अपने साम्राज्य को उन्होंने बढ़ाया तो इस तरह हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त गुप्त वंश के एक महान शासक थे चंद्रगुप्त की एक बहुत बड़ी बात उन्होंने एक बहुत बड़ा काम यह भी किया था कि समुद्रगुप्त को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था अपना नियुक्त कर दिया था समुद्र गुप्त में उन्होंने अपनी योग्यता देखी थी समुद्रगुप्त में योग्यता देखी थी समुद्रगुप्त उनका बड़ा पुत्र नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने समुद्र गुप्त में योग्यता देख करके उसे यूराज बना लिया था अब हम समुद्रगुप्त को पढ़ते हैं समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है जैसा कि हम जानते हैं कि 1800 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में किस तरह नेपोलियन का प्रभाव था नेपोलियन जो है पूरे यूरोप का विजेता था तो उसे क्या आधार पे कहा जाता समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन जबकि होना चाहिए कि नेपोलियन को कहना चाहिए कि नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था क्योंकि नेपोलियन तो बाद बहुत, बहुत पहले उनका प्रादुर्भाव हुआ था लेकिन चलिए भाई जब इतिहासकार कहते हैं कि भारत का नेपोलियन था किसने कहा है डॉक्टर ए बी स्मिथ ने कहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था नेपोलियन को के बारे में जब हम पढ़ते हैं और जानते हैं तो हम यह भी जानते हैं कि अंततः उनकी हार हुई थी उनको विरोधियों के द्वारा पकड़ करके उनको एक निर्जन स्थान पर भेज दिया गया था तो अंततः नेपोलियन की पराजय हुई थी लेकिन हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त वंश के शासक समुद्र ने नेपोलियन की जैसा विजय प्राप्त किया विजय यात्रा की दिग्विजय दिग्विजयी राजा बने लेकिन उन्हें पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा यह बहुत बड़ी बात है तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि इसके बारे में हमें जानकारी हरिसेन के द्वारा रचित प्रशस्ति जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं उससे मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र गुप्त के बारे में उनके शासनकाल के बारे में बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से बहुत सी बातें लिखी गई है जिससे हम समुद्र गुप्त के बारे में और उनके समय के बारे में जानते हैं तो समुद्र गुप्त क्यों बहुत अधिक विख्यात हुए अपनी विजय यात्रा से अपनी दिग्विजय वाले गुण के कारण वो फेमस हुए यानी कि उन्होंने किस प्रकार चारों तरफ जीत करके हर जगह अपना जमा इस इस बात के का, इस बात के के का लिए समुद्रगुप्त को जाना जाता है तो समुद्रगुप्त ने कैसी विजय यात्रा की चलिए हम इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले उन्होंने नौ राज्यों का उन्मूलन कर दिया मतलब खत्म कर दिया क्यों किया ये जो नौ राज्य थे उत्तर भारत के इन्होंने एक समय में समुद्रगुप्त के विरोधी जो भाई थे उनका साथ दिया था इसलिए उनका पहला टारगेट था कि इन नौ राज्यों को निस्तनाबोध कर दिया जाए और अपने में मिला लिया जाए इन राज्यों को उन्होंने अपने में मिला लिया ये कौन कौन थे अहिछत्र के अच्युत मथुरा के नागसेन पद्मावती के गणपति नागसेन बाकुरा के चंद्रवर्मन ये रूदत्त बलवर्मन नागदत्त नंदी ये सब बंगाल अभी वर्तमान में जो पूर्वी बंगाल है या पश्चिमी बंगाल है इन सारे क्षेत्रों के राजा थे जिन्होंने समुद्र गुप्त के खिलाफ इनके भाइयों की सहायता की थी कोटा के राजा थे तो इस तरह इन राज्यों का उन्मूलन करके उन्होंने अपने में मिला लिया और इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य यूपी बिहार बंगाल तक पूरी तरह से फैल गया इतना बड़ा साम्राज्य हो गया जिसे उन्होंने एकदम से अपने राज्य में शामिल कर लिया अब अगला उनका चरण कहा जाता विजय के लिए तो वह आठविक राज्य कहा जाता है ये जबलपुर और नागपुर के बीच में अठारह राज्य थे जो जंगली राज्य थे जो विंध्याचल के आसपास के राज्य थे इन्हें रूप ने हराया और इससे क्या हुआ कि समुद्र गुप्त को दक्षिण की तरफ जाने का रास्ता मिल गया इन जंगली राज्यों को हराकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया अब वो दक्षिण की तरफ अपनी विजय यात्रा को दक्षिण में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र राज्य थे जिन पर समुद्र गुप्त ने अपना आक्रमण किया विजय प्राप्त किया उसमें हम देखते हैं कि हमारा हाँ राज्य का मैंने नाम लिखा है कौशल के महेंद्र थे महाकांतार के व्याघ्र थे कोराल के मंत्र थे कोराल यानी केरल पृष्ठपुर के महिंद्रा थे कोटकगिरी के स्वामित थे एरंडपल के दमन थे कांची के विष्णु थे अमुक के नीलराज वेंगी के हस्तीवर्मन पालक के, के उग्रसेन देवराष्ट्र का कुबेर और स्थलपुर का धनंजय ये सारे राज्य दक्षिण में स्थित थे जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है तमिलनाडु में है कर्नाटक में है केरल में इन सारे राज्यों को उन्होंने जीत लिया और जीतने के बाद इन राज्यों को वही के राजा को दे दिया कि ये लीजिए ये मैंने जीता लेकिन ये मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि उन्हें पता था समुद्रगुप्त को कि अपने जगह पे बैठ करके यहाँ तक शासन करना थोड़ा मुश्किल है तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई अपनी कूटनीतिज्ञता दिखाई और जीत करके इन क्षेत्रों को इन्हीं के शासकों के सुपुर्द कर दिया गया इससे क्या हुआ कि वहां के शासक भी उनके प्रति अनुग्रहित हो गए एक सम्मान का भाव, साथ ही साथ समुद्र गुप्त के जो नियम आदेश वो ये मानते थे उन्हें टैक्स देते थे उपहार देते थे कहने का अर्थ यह क्या है कि समुद्र गुप्त को भी इससे लाभ हुआ और वहां के जो शासक थे वह भी खुश और संतुष्ट रह गए उन्हें भी कोई शिकायत नहीं हुई भाई राजा हमारे समुद्रगुप्त है साथ ही साथ उपहार कभी किसी आयोजन पर राजा के किसी भी अच्छे दिन या बुरे दिन में उनके साथ रहूंगा तो समुद्रगुप्त ने पूरे दक्षिण को अपने अधीन कर लिया इस तरह से यह उनकी एक बहुत बड़ी कूटनीतिज्ञता या दूरदृष्टि कही जा सकती है अब राज्य थे पांच प्रत्यंत राज्य प्रत्यंत जैसा कि अर्थ से लगता है बॉर्डर क्षेत्र वाले जो राज्य थे वो प्रत्यंत राज्य कहलाते थे वो थे समतट यानी पूर्वी बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो शासक होते थे गवाक आसाम कामरूप नेपाल कतिपुर में गढ़वाल ये सब जो क्षेत्र थे वो थे इन पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया इससे क्या हुआ कि तटीय क्षेत्रों पर जो अः समुद्र का किनारा का कोस्टल एरिया का जो क्षेत्र है जो राज्य है उस पर उनका अधिकार हो गया तो वो पूर्वी तरफ पूर्वी क्षेत्र की तरफ व्यापार के लिए या अन्य काम के लिए उनका रास्ता क्लियर हो गया अब हम बात करते हैं गणराज्य नौ थे ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही अधिकांश थे जिसमें मालव थे अर्जुनायन थे यवधे थे भद्रक आभीर प्राजुन संकानिक काक और खरपद ये जो नौ राज्य थे इन पर विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर दिया तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने अलग अलग अभियान शुरू किया और सभी हर जगह उन्होंने विजय प्राप्त की जब उन्होंने विजय प्राप्त की तो हमने पढ़ा था रामायण में भी कि जब कोई उनके राम जी के रथ को घोड़े को रोक नहीं सका हर जगह वो उनका घोड़ा घूम करके आ गया किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की तो वो यज्ञ यग, उन्होंने किया बहुत बड़ी जीत थी उस पर। इसी प्रकार समुद्र गुप्त ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया जैसा कि हमने उनकी विजय यात्रा को देखी तो हम यह साफ साफ कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे सेनानायक थे वो बहुत प्रतापी राजा थे उनमें बाहुबल था उनमें कूटनीतिज्ञता थी वह हर दृष्टि से उस क्षेत्र में एकदम से फिट बैठते थे जिसमें जिस तरह से उन्होंने अपना काम किया था इस तरह से हम कह सकते हैं कि सैन्य क्षेत्र में तो उन्होंने अपनी उपलब्धि दिखाई ही लेकिन वह एक महान प्रशासक थे बहुत एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे कैसे जब उन्होंने इतने पूरे भारत को जीत लिया तो उस पर शासन करना सही तरीके से सुचारू रूप से शासन करना यह भी एक बड़ी बात थी जिसे उन्होंने सफलता पूर्वक किया इसलिए हम कह सकते हैं वो महान प्रशासक थे जिस तरह उन्होंने राज्यों को जीत करके फिर उन्हीं के राजाओं के शुकृत कर दिया यह भी उनकी प्रशासकीय क्षमता और उत्कृष्ट प्रशासकीय क्षमता का दर्शन कराती है प्रजापालक थे जैसा कि हम जानते हैं कि उनका जो राज्य था उसमें वो सबकी भलाई सबके कल्याण की बात करते थे अश्वमेघ यज्ञ उन्होंने किया जिस तरह की विजय उन्होंने प्राप्त की उसको देखते हुए उस, उन्होंने किया इसके साथ ही साथ हमें यह भी जानना चाहिए ये सब तो उनकी जो जो शासक का गुण होता है वो था लेकिन इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि वो एक विद्वान थे उनमें वो कविराज की उपाधि से भी उन्हें सुशोभित किया गया था क्योंकि वो वो कविताएं भी लिखते थे कहने का अर्थ है कि साहित्य कला के प्रति भी उनका रुझान कम नहीं था वो एक संगीतज्ञ थे और बजाने में वो वो थे। इसके लिए वो जाने जाते शासक समुद्र गुप्त जिन्हें वीणा बजाने में निपुणता प्राप्त थी कूटनीतिज्ञता तो मैंने बताया कि वो कूटनीतिज्ञ थे तभी इतने बड़े जगह इतने लंबे चौड़े साम्राज्य का उन्होंने निर्माण किया और उस पर उन्होंने शासन किया और उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों के लिए बहुत ही लोगों के लिए एक आदर्श था तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त गुप्त, गुप्त वंश के एक महान राजा थे अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी गुप्त से कम नहीं थे और ये बता दिया जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले रामगुप्त के लिए राजा बने जब वो राजगद्दी पे बैठे उसी समय शकों का आक्रमण भी हो गया शकों से उन्हें युद्ध करना पड़ा जहां उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई और उनकी पत्नी ध्रुव देवी थी ध्रुव देवी सब यहाँ ध्रुव देवी लिखना था यहाँ गलती से दत्त देवी लिखा गया दत्त देवी भी कहलाती थी वो ध्रुव देवी भी कहलाती थी तो ध्रुव देवी से उनका विवाह हुआ था रामगुप्त का जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी थी दत्त देवी या ध्रुव देवी को शकों ने अपने कब्जे में कर लिया था और रामगुप्त जो उनके पति थे कुछ भी करने में असमर्थ थे ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकों से लोहा लिया और ध्रुव देवी या दत्त देवी जिस जो उनकी भाभी रामगुप्त की पत्नी थी उसे छुड़ाया सकों को मार भगाया और रामगुप्त को भी मार दिया और अंततः उन्होंने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तो ये जो कहानी है ये हमें कुछ जो विशाख के देवी चंद्रगुप्तम नाम की पुस्तक है या हर्ष की पुस्त, वधन की लिखित पुस्तक है या राजशेखर की काव्य मीमांसा है इन सारे पुस्तकों में हम यह बात देखते हैं कि ऐसी बात हुई थी इस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कितना प्रामाणिक है नहीं है बहुत इस पर बात नहीं किया जा सकता लेकिन इतना कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त शासक बने उन्होंने बहुत कम समय तक शासन किया और उस क्रम में उन्हें सकों से लोहा लेना पड़ा जहां उनकी हार हुई और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह गुप्त वंश के सिंहासन पर बैठे इन्होंने अपना अपनी शक्ति का विकास अपनी शक्ति को बढ़ाया और उस शक्ति को बढ़ाने में इन्होंने वैवाहिक संबंध पर बहुत महत्व दिया और ये, ये कहा जा सकता है कि संबंध के द्वारा इनका प्रभाव और इनकी शक्ति बहुत बढ़ी जैसा कि मैंने बताया कि ध्रुव देवी से उन्होंने विवाह किया था तो ध्रुव देवी उनकी राम गुप्त की पत्नी थी उसके बाद उन्होंने नागवंश की राजकुमारी कुबेर से विवाह किया था कुबेर से विवाह करने के बाद उससे एक पुत्री हुई थी इसका नाम था प्रभावती और प्रभावती का विवाह उन्होंने रुद्रसेन जो वकाटक वंश के शासक थे उनसे किया इसके अलावा हम देखते हैं कुंतल नरेश यानी कर्नाटक में कुंतल नरेश थे उनसे भी उनके यहां भी राजकुमारी की जिनसे विवाह संबंध स्थापित हुआ ये कंफर्म नहीं है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था या उनका पुत्र वहां, उसकी शादी हुई थी कहने का मतलब कि वह वंश से कुंतल नरेश से नाग वंश से इनसे विवाह होने से चंद्रगुप्त द्वितीय की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी और यही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं इस बात को याद रखना होगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन है ये चंद्रगुप्त द्वितीय है इन्होंने भी अपने विजय अभियान में कोई कमी नहीं रखी ये इस कारण भी जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने समय में विदेशियों से अपने साम्राज्य को मुक्त कर दिया था बिल्कुल कोई विदेशी उस क्षेत्र में नहीं थे सबको भगा दिया था और इसमें हम देखते हैं क्या सबसे पहले उन्होंने उत्तर पश्चिम में कुसान राज्य था कुसान शासक राज्य कर रहे थे उन कुसान शासकों को, शास को उन्होंने उन्हें उन्होंने भगाया सख जाति का प्रभाव बहुत अधिक था और गुजरात में जो है सख्त शासक थे रुद्र सिंह तृतीय वहां राज्य कर रहे थे उन्हें भी इन्होंने मार भगाया इस तरह से हम क्या देखते हैं कि पश्चिम कट और पश्चिम देश में इनका बहुत अधिक प्रभाव हो गया और जैसे ही तटीय क्षेत्र पे इनका अधिकार हुआ इनकी व्यापारिक जो इनका व्यापार जो था वह बहुत अधिक बढ़ गया पश्चिमी क्षेत्र से इनका व्यापार एकदम स्मूथली व्यापार करने लगे अब हम बात करते हैं इन्होंने बल्क यानी बैक्टीरिया से लेकर के पूर्वी बंगाल तक के राज्य को अपने में शामिल कर लिया था एक बहुत बड़ा राज्य और हम क्या देखते हैं कि पहली बार उत्तर भारत में राजनीतिक एकता इनके समय में ही देखी जा सकती है गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इन्हें देवराज देवगुप्त श्री गुप्त के नाम से भी ये फेमस हैं, जाने जाते हैं बहुत सारे जैसे कि महदौली में अग, अगर आप कभी कुतुब तो मीनार गए होंगे सारे कुतुब तो मीनार गए होंगे, तो वहां पे एक जो स्तंभ है वहां पर जो चंद्र लिखा हुआ चंद्र यानी ये चंद्रगुप्त है इनका एक नाम धाव भी कहा जाता है तो इस तरह ये बहुत सारे नामों से जाने जाते थे इनके काल में हम क्या देखते हैं आर्थिक समृद्धि बहुत बढ़ी ये हमें कैसे पता चलता है क्योंकि इस काल में बहुत सारे सिक्के बने और सिक्के हमें मिले भी हैं वो सिक्के सोने के हैं चांदी के हैं तांबे के हैं और ये उस समय की समृद्धि ये सिक्के जो है, उस समय की समृद्धि के बारे में बताते हैं हम क्या देखते हैं कि विदेशों से व्यापार बहुत अच्छा हो गया था पश्चिम का क्षेत्र पश्चिम का तट या पूर्वी तट हर दोनों तटों में हम देखते हैं कि आधिपत्य हो जाने के कारण पूर्वी क्षेत्र से भी व्यापार होने लगा और पश्चिमी क्षेत्र से भी व्यापार होने लगा था। तो इस तरह व्यापार जब बहुत अधिक हो गया समृद्धि समृद्धि बढ़ी और बढ़ने के साथ ही देश में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी जो हमें बताती है कि वो समृद्ध राज्य था वो सिक्के सिक्कों में जो चित्र बना हुआ है जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय एकदम तलवार मूट, का मूठ पकड़ के ऐसे खड़े हैं राजसी वस्त्र पहने हुए हैं पूरे आभूषण से लदे फदे हैं और साथ में एक व्यक्ति छत्र पीछे लेकर के चल रहा है ये उनकी समृद्धि का परिचय है उन्हें उन्होंने चीते का शिकार करते हुए उन्हें सिक्के में नहीं दिखाया गया सिंह का शिकार करते हुए दिखाया गया है तो इस तरह ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छे बहुत ही अगर उससे देख करके हम बहुत चीजों का अनुमान लगा सकते हैं खासकर हम ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि राजा का जो भाव था राजा का जो महत्व था उस काल में दिखाई दे रहा था और उसके साथ ही साथ उस राज्य की समृद्धि भी हमें दिखाई दे रही थी विदेशी व्यापार से जो है स्वाभाविक है कि राज्य समृद्ध हो गया था तो इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने अब गुप्त वंश को चार चांद अच्छा। चांद लगाया अप गुप्त को इसके बाद हम गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो कुमार गुप्त प्रथम थे इन्होंने 40 साल शासन किया और 40 साल शासन करने के अलावे इन्होंने अपने साम्राज्य की गौरव और प्रतिष्ठा को बनाए रखा उस समय ना तो कोई विदेशी आक्रमण हुए ना, इन्हें बहुत विचलित होना पड़ा ना परेशान होना पड़ा ना किसी लेनी पड़ी और इन्होंने मालवा पर विजय प्राप्त किया इसके अलावा यह भी बात है कि इन्होंने एक अश्व यज्ञ का संपादन किया है यज्ञ का स्पेलिंग गलत हो गया है फिर आपको तो ध्यान देंगे यज्ञ यहां लिखने में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा इस इन्होंने अश्वमेघ का संपादन किया और नर्मदा के दक्षिण भाग को जीतने का भी प्रयास किया इन्होंने इन्होंने पुष्यमित्र सुंग का राज्य उधर था उस पर उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की वाकाटक नरेश से भी उनका ये हुआ सामना हुआ तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने दक्षिण और सुंगटक वंश के राजा से उनका युद्ध हुआ इसके साथ ही हम देखते हैं कि कुमार गुप्त और उनके पुत्र के द्वारा जो है हुनों की हार हुई हूण जो थे वो उस समय बहुत सक्रिय हो गए थे लेकिन कुमार गुप्त ने और इन उनके पुत्रों में खास स्कंद गुप्त की बात हम करेंगे उन्होंने हुनों को बुरी तरह से हराया था तो ये कुमार गुप्त प्रथम जो है महेंद्रादित्य श्री महेंद्र महेंद्र सिंह महेंद्र के नाम से भी ये सब उपाधि उन्होंने धारण की थी तो इस तरह कुमार गुप्त प्रथम को भी हम इनका गुप्त वंश के एक महान शासक के कह सकते हैं बहुत सारे शिलालेख में भीतरी शिलालेख जो है उसमें भी इनके नाम का जिक्र है। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की। तो स्कंदगुप्त ये भी एक महान शासक थे। इन्होंने अपने राजा बनने के लिए संघर्ष किया अपने भाइयों से, प्रांत के जो बहुत सारे शासक थे, वो भी स्वतंत्र होने के लिए परेशान थे। उनसे इस तरह से हम देखते हैं कि उधर पुष्यमित्र पर उन्होंने विजय प्राप्त की लेकिन ये जो संघर्ष था शुरुआती संघर्ष इससे क्या हुआ कि उनकी समस्याएं जो है थोड़ी बढ़ती ही गई हुन जो जैसा कि मैंने बताया कि हुनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था तो श्वेत हु वो थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य को पूरी तरह से तोड के रख दिया था पूरे यूरोप को जिसने परेशान करके रख दिया था वे श्वेत हून वो यहां पर आक्रमण किए इनके समय में और इन्होंने इन्हें खदेड़ करके निकाल दिया बहुत माने कहा जाता है कि हूण के साथ स्कंद गुप्त का जो युद्ध हुआ और हुनों को उन्होंने जो अपने देश से भगाया पचास साल तक हुन भारत की तरफ देख नहीं सके वो हूं जिसे जिसने यूरोप पूरे यूरोप में आफत करके रख दिया था जिन्होंने रोमन साम्राज्य को तबाह करके रख दिया था पर विजय प्राप्त करने के लिए गुप्त खास जाने जाते हैं बहुत कि किस गुप्त साम्राज्य ने हुनों को ऐसा खदेड़ा था कि पचास साल तक उन्होंने इधर देखा नहीं था तो इस तरह हम कह सकते हैं उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने भी धारण की थी और बहुत ही योग्य विचारवान दयावान कल्याणकारी शासक थे तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्तंभ गुप्त एक गुप्त वंश के महान शासक थे और इनके काल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि इनके समय में बहुत सारे इनके समय के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं बहुत सारे अभिलेख इन्होंने लगवाए थे इनके आदेश से लगाया गया था तो यह हमें गुप्त शासन के बारे में जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शोध देता है इस पर बहुत सारे शासक हुए पूर्व गुप्त नरसिंह इन लोगों ने अपने अपने स्तर गुप्त वंश को संभालने की कोशिश की लेकिन हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे गुप्त वंश पतन की तरफ आ गया था और अब शासक उतने मजबूत नहीं रह गए थे और बहुत सारी समस्याएं आपस में जो होता है दरबार में षडयंत्र प्रांतों में षड्यंत्र बाहरी आक्रमण अन्य मजबूत राज्यों का उदय इतने सारे फैक्टर हो जाने से गुप्त वंश की शक्ति में कमी आई और धीरे धीरे वह पतन की तरफ अग्रसर हो गया इसीलिए ये कहा जा सकता है कि और भी बहुत सारे ऐसे राजा हुए लेकिन विष्णु गुप्त को हम कह सकते हैं कि ये गुप्त वंश के अंतिम ज्ञात गुप्त शासक थे तो इस तरह से हमने देखा कि गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे इसे याद रखिएगा कि इनके काल में कौन सी घटनाएं हुई और किस शासक ने कौन से काम से अपने आप को लोकप्रिय या विश्वविख्यात या हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया इसके साथ ही मैं इस एपिसोड को आज यहाँ समाप्त करती हूँ धन्यवाद